Good morning, students. In the given triangle construction, the first triangle construction by the 4.1 में आपने देखे हैं कि two angles are given and one is that sum of the two sides are given. Second 4.2 में देखे हैं two triangles are given and subtract the two sides is that given. Third way में है triangle construction में कि ट्रायंगल में आपको दो एंगल दिए रहेंगे और दो एंगल के बाद आपको पेरीमीटर दिया रहेगा सम ऑफ द थ्री साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल मींस PQ प्लस QR प्लस PR अपन को दिया है 9.5 सेंटीमीटर. फर्स्ट में क्या दिया था? टू एंगल और सम ऑफ द टू साइड. सेकंड में क्या दिया था? टू एंगल्स एंड सबट्रैक्ट द टू साइड. और थर्ड में क्या दिया गया है? टू एंगल्स एंड सम ऑफ द थ्री साइड एंड द पेरीमीटर, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. तो इन सच वे दैट एक का कंस्ट्रक्शन कैसे अपन निकालेंगे? तो फर्स्टली क्या करना है, जो PQ प्लस QR प्लस PR 9.5 सेंटीमीटर है, किसी भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए बेसिक पार्ट जरूरी है. बेसिक पार्ट में आपको 9.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इस प्रकार आपको 9.5 सेंटीमीटर और एक सेगमेंट ड्रॉ करना है, दैट द 9.5 सेंटीमीटर. लेकिन आपको दिया नहीं है कि PQ है, QR है कि PR है, इसकी सम दी गई है, इसके लिए अपन इसके अलावा डिनोट करते हैं दैट द पॉइंट इज दैट ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट 9.5 सेंटीमीटर. इसके बाद एंगल पे जाते हैं. एंगल क्यू आपको दिया है 70 डिग्री, एंगल आर दिया है 80 डिग्री. ए पेरीमीटर कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए जो एंगल आपको दिए रहेंगे उसका माप लेना है. एंगल क्यू 70 इज दैट द हाफ इज दैट 35, एंगल आर 80 इज दैट द हाफ इज दैट 40. मींस एंगल क्यू दैट डिनोटेड बाय ए, एंगल आर डिनोटेड बाय द बी. इज दैट क्लियर? मींस ए एंगल बाय योर प्रोटेक्टर कितना निकालना है? 35 डिग्री. कितना निकालना है? 35 डिग्री. तो इस प्रकार अपन डॉट देकर यहाँ पे किरण ड्रॉ करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे. इस प्रकार अपन ने रे ड्रॉ की है, ठीक है? दैट द इज दैट 35 डिग्री. इसी प्रकार एंगल बी आपको निकालना है. दिस एंगल आर के लिए जो है 40 डिग्री. कितना है? 40 डिग्री. तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं दैट द रे इज दैट 40 डिग्री. इस प्रकार बराबर है, ये दोनों रे फाइंड आउट किए हैं दैट द बी इज दैट 40 डिग्री. ये दोनों रे जिस पॉइंट पे टच हो रहे हैं उसको देते हैं अपन पी पॉइंट्स. क्यों? यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, फिर जो नया पॉइंट मिला है आपको रे में दैट द पॉइंट पी रहने को होना. यहाँ पे पी और आर है तो क्यू रहेगा, यहाँ पे पी और क्यू रहेगा तो आर रहेगा. जो एंगल दिया है इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको देना है दैट द पॉइंट पी. पॉइंट पी मिलने के बाद पॉइंट पी ए पी सेगमेंट और सेकंड है बी पी सेगमेंट. जहाँ पे सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ अपन करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, ए बी सेगमेंट है जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको निकाला है. इसके अलावा भी अपन ने देखे हैं एक एंगल है, एंगल में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है. तो ए बी सेगमेंट में परपेंडिकुलर ऐसे रहता है, तो यहाँ पे ए बी सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा रहेगा बाय द प्रोटेक्टर. किससे? प्रोटेक्टर से. तो पॉइंट ए से आपको लेफ्ट हैंड अपर और नीचे इस प्रकार मार्क करना है. पॉइंट पी से इस प्रकार आपको सेम मार्क करना है. दोनों मार्क का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको डॉट देने के बाद आपको एक लाइन, सीधी लाइन निकालना है, बराबर है? तो इस प्रकार उसकी सीधी लाइन रहेगी दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉ. ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ टू दिस, इसको लाइन ए की. इसी प्रकार आपको पी बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. पी बी पी अंतर आप डिवाइडर में कम ज्यादा ले सकते हो. इस प्रकार अपन ने ड्रॉ किए दैट द बी पॉइंट से इस प्रकार अपन ने ड्रॉ किए. दोनों पॉइंट का ए हो गया इंटरसेक्ट पॉइंट्स. दैट द पॉइंट्स इज दैट, दिस इज दैट पॉइंट्स आपको ज्वाइन करना है. इसी प्रकार आपको ज्वाइन करना है. देखो ए इंटरसेक्ट हो गया है, बराबर है? इसका मीनिंग ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है. अभी यहाँ पे जो एपी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने निकाला है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए पॉइंट 35 मींस क्यू इज दैट 70.
यू कितना है 70, तो यहाँ पे P में आप ज्वाइन करोगे दैट द 70 डिग्री, और यहाँ पे पॉइंट Q पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका दैट द 80 डिग्री, यानी कि हो गया 80 डिग्री। तो इस प्रकार ड्रॉ द ट्रायंगल इज दैट PQR, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल PQR। तो आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दो एंगल और पेरीमीटर सम ऑफ द थ्री साइड्स मींस पेरीमीटर दिया रहेगा, तो आपको इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। ओके, बाय द नेक्स्ट वीडियो।